आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। Hello everyone. आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट इज अ जनरलाइज्ड लेजर कैश बुक एक जनरलाइज लेज़र है तो जैसा कि हमें पता है कि कैश बुक को हम जनरल भी बोलते हैं और लेजर भी बोलते हैं सो कैशबुक इज अ जनरलाइज्ड लेजर तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम कैश बुक को जनरल क्यों बोलते हैं और लेज़र क्यों बोलते हैं अ कैश बुक इज बोथ जनरल एज वेल एज लेजर कैश बुक जो है वो बहुत जनरल भी है और लेजर भी है ओके okay? अब जनरल क्यूं है डिस्कस करते हैं द कैशबुक इज जनरल बिकॉज ट्रांजेक्शन्स फॉर दी फर्स्ट टाइम जैसे जनरल में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं वैसे ही कैश बुक जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है मतलब फर्स्ट टाइम इसमें एंट्री की जाती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जनरल ओके अब नेक्स्ट है वाइट इज कॉल्ड एज लेजर इसको लेजर क्यों कहा जाता है द कैशबुक इज अजर इन देंस दैट इट सर्व्स प पर्पज ऑफ द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट टू कैशबुक को लेजर भी कहा जाता है क्योंकि कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट का भी पर्पज सर्व करता है क्योंकि इसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ओके सो कैश बुक को हम क्या बोलते हैं जनरल भी बोलते हैं और लेजर भी बोलते हैं जनरल क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन नोट डाउन होती है इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैश अकाउंट का जो पर्पज है उसको भी सर्व करता है क्योंकि सारी कैश ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन जैसे हमें कैश अकाउंट से मिल जाती है उसी तरीके से कैश बुक से मिल जाएगी और जब कैश बुक प्रिपेयर होती है तो लेजर में कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता ओके सो कैश बुक इज अ जनरलाइज्ड लेजर ओके थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर